SA12 X Edbit now Sol and Edbit now SA12. So in near future will become one org. Look, we discussed this a lot. As of right now, I don't think there is any plan of merging the two companies. The two companies are going to stay absolutely independent. We are going to run Global Esports. They are going to run SATUL. And together, we are going to work hard and grow both the companies. That's the plan. If there is no mention of SATUL in player name and jersey, then what's the point? एग्जैक्टली नाम के लिए नहीं कर रहे हम लोग, काम के लिए कर रहे हैं ब्रो. लाइक हाँ, इधर नाम डालने से क्या हो जाएगा मेरे को बताओ, आप लोग मेरे को बताओ. या सी आई अंडरस्टैंड व्हेन अ जोटेक और एन एनवीडिया डज इट, देन इट मेक्स सेंस बिकॉज जोटेक के प्रोडक्ट्स बिकेंगे, एनवीडिया के प्रोडक्ट्स बिकेंगे बिकॉज व्यूअरशिप आएगा एंड देन पीपल विल सी दैट वी आर यूजिंग जोटेक एंड एनवीडिया प्रोडक्ट्स एंड मोर पीपल विल गो आउट एंड बाय देम, राइट? सो इट्स अ डायरेक्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन. दे विल पे अस अ सर्टेन परसेंट और अ फिक्स्ड अमाउंट बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ व्यूअरशिप वी कैन गेट देम, बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ कन्वर्जन्स वी कैन गेट देम, एंड दैट्स हाउ स्पॉन्सरशिप वर्क्स. दिस इज नॉट अ स्पॉन्सरशिप डील. यहाँ SA12 का लोगो लगाने से क्या होगा मेरे को बताओ, क्या होने वाला? ये थोड़ा फेरा भी दिखाना. बाय द वे दिस इज ऑल्सो न्यू जी मोर्चा. ये अगर सर आप प्लीज सोल की जगह इंडियन फ्लैग रहो तो ब्रो, नहीं तो इंडियन फ्लैग आ रहा है नहीं तो सोल आ रहा है, डोंट वरी. एंड इंडियन फ्लैग भी यू रिक्वायर स्पेशल परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर यूजिंग द फ्लैग. एंड राइट हैज स्पेसिफिकली टोल्ड अस टू अवॉइड यूजिंग एनी फ्लैग्स बिकॉज समटाइम्स इट कैन हर्ट समवन सेंटिमेंट एंड अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन. हमें पता है हम इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे झंडा लहरा के शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है. Like we will represent India and we will ensure that India has the best representation in esports across the globe. ये मैं guarantee देता हूँ. सर आपको नहीं लगता SATL हर जगह घुस जाती है? सारा हार्ड वर्क आपने किया और आपकी शाबाशी ब्रो. हार्ड वर्क हमने किया इसलिए तो हम उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं. दे ऑल्सो नो एंड अंडरस्टैंड दैट दे आर नॉट स्टीलिंग एनी लाइमलाइट फॉर अस. इनफैक्ट ये मैंने ट्विटर पे भी कल क्लैरिफाई किया था. व्हेन येस्टरडे वी सेड SATL फैंटिक, हम हैशटैग नहीं बदल रहे थे. कोरिया में इफ यू सी ना मूवी, आई विल कम टू नो हु इज आर एक्चुअल फैन. आई विल एक्चुअली कम टू नो हु इज आर फैन बिकॉज अगर हम आपने हमारी ओरिजिनल मूवी देखी है जी फाइटिंग, उसमें हमने एक्सप्लेन किया कि कोरिया में सारे एथलीट्स फाइटिंग 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 करते हैं. उधर DRX फाइटिंग भी करते हैं, उधर जेनजी फाइटिंग भी करते हैं, T1 फाइटिंग भी करते हैं. फाइटिंग इज लाइक अ वॉर चार्ट. सो वेन वी से SATL फाइटिंग, दैट जस्ट मीन्स दैट वी वर वेलकमिंग ऑल द SATL फैंस इन टू द फैमिली. हैश टैग नहीं बदल रहा है, स्टिल जी फाइटिंग, इट्स गोइंग टू स्टे जी फाइटिंग गाइज. ऐसा नहीं होता है, इट्स यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट. ये जो अननेसेसरली लोग आपस में हेट एंड डिवाइड फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, डोंट लेट दैट ओवरकम व्हाट द ट्रू प्लीज डोंट चेंज द नेम. हैशटैग GES, जी फाइटिंग इज लव ब्रो. इन गेम नेम विल बी हैशटैग GES जस्ट लाइक इट हैज ऑलवेज बीन. ऑफिशियल हैशटैग विल बी हैशटैग जी फाइटिंग जस्ट लाइक इट हैज ऑलवेज बीन. देम कमिंग ऑन बोर्ड एड्स अ लेयर ऑन टॉप, इट डजंट टेक अवे फ्रॉम एनीथिंग दैट वी हैव बिल्ट. दैट इज द पर्पस. ट्रॉफी राइट के पास रहेगी, मैं राइट को बोलूंगा अपने ऑफिस में लगा दे ऐसे फ्रेम करके ग्लोबल ईस्पोर्ट्स नाम के साथ. खुश क्या यार तुम लोग इतनी, चलो ट्रॉफी गिव अवे कर देंगे, क्यों इतनी चिंता करते हो?